नमस्कार, मैं प्रोफेसर तनुजा नेसरी, निदेशक अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान न्यू दिल्ली, जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल और पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एंड ट्रेनिंग इन आयुर्वेद में देश की एक शीर्षस्थ संस्था है, उसकी ओर से आपका स्वागत करती हूँ। आयुष और वेद, जिसका मतलब यह है कि ये साइंस ऑफ एंड नॉलेज सिस्टम ऑफ हेल्दी और हैप्पी लाइफ है, और एक स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार परिमोक्षायम इसका मुख्य उद्देश्य है। इसका मतलब यह है कि ये स्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य बनाए रखता है, और जिनको विकार हुआ, जैसे कोरोना जैसी महामारी में भी, वो विकार को मूलतः समूल नष्ट करने की क्षमता रखता है। हमने पिछले 7 महीने में जो चीजें करी, उसमें सबसे पहले बहुत अहम महत्व रखता है इम्यूनो बूस्टिंग मेजर्स। तो आयुर्वेद में ये कहा है कि कोरोना जैसी महामारी, जिसका नाम जनपदोध्वंस व्याधि में दिया गया है, इसका मतलब ये है कि जो पैंडेमिक सिचुएशन होती है, जिसमें पूरी दुनिया को एक साथ इन्फेक्शन होने का खतरा होता है, संभावना होती है, उसी में चिंता व्याधि क्षमत्व रोग प्रतिकार क्षमता, जिसको इम्यूनिटी कहते हैं, वो अगर मजबूत है, अगर वो स्ट्रॉन्ग है, तो उनको ये कोरोना जैसी महामारी नहीं होती। तो हमने शुरू में ही मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एक एडवाइजरी जारी की, जिसमें एक लोकल मेजर्स की, जिसे कोरोना का जो वायरस है वो शरीर के अंदर जाए ही नहीं, जिसमें गार्गलिंग, गरारे करना हल्दी नमक से, या स्टीम लेना, वाप लेना, या फिर अणु तेल, जो नस्य कहता है, जो ये मेडिकेटेड ऑयल है, जो अगर नाक में एक एक बूंद डाले या लगाए, तो जिससे वायरस का नेजल इपिथेलियम से संपर्क नहीं होता है और कोरोना जैसे वायरस अंदर जाते नहीं। तो ये लोकल मेजर्स, या बाहर के बाह्य वातावरण को शुद्ध करने के लिए हवन करना, यज्ञ करना मेडिकेटेड फ्यूम से, ऐसे कई सारे मेजर्स को अपनाया। अगर वायरस अंदर गया तो वो पनपने ना दे, इसीलिए एक आयुष मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने काढ़ा बनाया। काढ़े में घरेलू ही जो मसाले के इंग्रेडिएंट्स है, जिसमें दालचीनी, सोंट, काली मिर्च, फिर तुलसी और काली मुनक्का, ये 5 चीज़ों को इकट्ठा करके, जैसे चाय बनाते हैं, ऐसे 1 चम्मच अगर हमने लिया और 1 गिलास पानी में, जब पानी उबलने लगा और 1 चम्मच उसमें डाला, और उबाल आने के बाद 2-3 मिनट रख के अगर ढाक के उसको छान लिया, तो ये काढ़ा बन गया। और वो सुबह शाम लेने से एंटीवायरल, इम्यूनो मॉड्यूलेटर और एंटी इन्फ्लेमेटरी ऐसी प्रॉपर्टी मिलती है, और वायरस अंदर गया भी तो वो पनपता नहीं और व्याधि से उसका रक्षण करता है, जिसको ये आयुष काढ़ा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने हर कोई घर में कर सकते हैं, ऐसे उपचार बताया है।